हाय, वेलकम टू आवर शो वॉक द टॉक एट द सेंट्रल विस्ता। और जैसा आप जानते हैं, हम पिछले कई एपिसोड से दिखाना चाह रहे हैं दिल्ली में एक कायाकल्प हो रहा है, जैसा हमारे बिमल पटेल जी कह रहे हैं। और कायाकल्प का मतलब यह है कि नया पार्लियामेंट बनेगा, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक खाली होंगे, और जितनी ओपन स्पेस हम देख रहे हैं इस वक्त, जिसको सेंट्रल विस्ता कहा जाता है, जो पार्लियामेंट से शुरू होकर और पूरा राजपथ को निकलकर और ये पूरा आगे तक जो जाता है, इस में नई इमारतें आएंगी। जितनी ओपन स्पेस है, ये बताया जा रहा है, इन ओपन स्पेसेस को सरकार लेगी। और सरकार कह रही है हम भी ओपन स्पेस के मालिक हैं, जनता उसकी मालिक नहीं है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे पास अमिताभ बाविस्कर हैं। बहुत स्वागत है अमिताभ आपका। और जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं अशोका विश्वविद्यालय में, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि दरअसल ओपन स्पेसेस का क्या महत्व है हमारे ज़िंदगी में, शहर की ज़िंदगी में। और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक किताब लिखी है, अनसिविल सिटी। हाँ, उसका हिंदी रूपांतर करना सही नहीं होगा क्योंकि बहुत ही गंदा नाम आ सकता है, तो इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। अमिताभ, अगर हम सबसे पहले पूछना चाहें, क्योंकि आप सोशियोलॉजिस्ट हैं और शहर की जान के बारे में जानते हैं, जिसको शहर की जान कहते हैं, और आपको क्या लगता है कि जो हार्ट एंड सोल ऑफ द सिटी है, वो कैसे प्रभावित हो रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर? ये ना, एक तरह से देखा जाए तो शहर की खासियत क्या है, शहर की जान उसकी जनता है। और जिस जगह पे जनता इकट्ठी हो सकती है, हमने पहली बार सुना कि पिछली बार तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, रेड सैंडस्टोन और ये सब चीज़ें, तो आपने कहा कि जनता उसकी जान है। हाँ नहीं, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये पूरा जो इलाका है, ये प्रेसिडेंट्स हाउस, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, ये अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाया था कि यहाँ पे पूरा जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका जो उसका ठाट है, वो उसकी शान जनता के सामने प्रदर्शित हो। लेकिन उस वक्त भी उनके दिमाग में दो चीज़ें बहुत अहम थी। एक था कि इस एरिया की इकोलॉजी, कि ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे पानी ठीक का बहाव अच्छा है, और दूसरा था कि पैसे बचाने की उनकी आदत, कि खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन का जो है खर्चा, वो अगर पहले जैसे उत्तर दिल्ली में तो बनाने का सोच रहे थे, भी लैंड एक्विजिशन बड़ा सवाल था लोगों से। उन्हें मालूम था कि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन यहाँ नॉर्थ दिल्ली में बहुत एक पेचीदा मुद्दा होता और बहुत महंगा पड़ता, और यहाँ की जो रायसीना की ज़मीन थी, रायसीना गांव की ज़मीन थी, वो कहीं सस्ती थी। तो दोनों ये गांव बेसिकली ये यहाँ पे गांव था, ये गांव की ज़मीन थी पूरी। तो ये पूरा इलाका जो है, उन्होंने बहुत सोच समझ के, पूरे आर्थिक दृष्टि से भी और फिर पारिस्थितिकी की दृष्टि से भी, इकोलॉजी और इकोनॉमी सोच समझ के इसे वो उन्होंने इसका चयन किया था। लेकिन साथ ही साथ ये जो जगह है, उन्होंने इस तरह से बनाई है जहाँ कि उनके पूरे साम्राज्य का गौरव जो है प्रदर्शित हो। अब हमारी सरकार, अभी की सरकार ये कर रही है कि ना उन्हें इकोनॉमी की कोई समझ है या उसकी परवाह है, ना ही इकोलॉजी की, बस वो भी उसी तरह से एक जो साम्राज्यवादी अपनी शान दिखाना चाहते हैं उसके पीछे ही इस जगह को, हिंदुस्तानी साम्राज्यवादी शान, हिंदू राष्ट्र की का साम्राज्य दिखाना चाहते हैं। या आपने एक नई बात बोली, इस पर थोड़ा और जिक्र करना चाहेंगे? ओके, या प्लीज। हाँ, तो मेरे ख्याल से अब जो हो रहा है इसमें ना, दो चीज़ें जो बिल्कुल अलग हैं, जोड़ी जा रही हैं, कि सरकार और जनता। और ये जो इलाका है, ये पूरा क्षेत्र जो आज़ादी के बाद लोगों ने अपना बनाया है, क्योंकि जब अंग्रेज़ छोड़ गए भारत, तो ये पूरी जगह जो है, यहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, बोट क्लब लॉन पे कितनी बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन जुलूस निकले हैं, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने अपनी बात रखने आते थे। अब धीरे धीरे वो जो प्रदर्शन का जो एक के लिए जो एक जगह मिली थी, वो छूट गई है। लेकिन अभी भी ये जो इलाका है, यहाँ पे लोग हर शाम को सैर करने के लिए आते हैं, खासकर जो पुरानी दिल्ली के लोग हैं, जहाँ पे एकदम मतलब 2 स्क्वायर फुट आसमान दिखने को नहीं मिलता, हरियाली बिल्कुल नहीं है, उनके लिए ये जगह जो है एक, अगर हम थोड़ा आगे तक चलें तो हम शायद उस जगह को भी देख सकते हैं यहाँ से एक ब्रॉडर लेंस लगा कर, और हम जब शूट कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर हम यहाँ से देखेंगे, अगर हम इस तरफ खड़े होते हैं, तो अगर हम दिखा सकें, क्योंकि जो आप बात कह रहे हो कि ओपन स्पेसेस की, शायद थोड़ा एक डिफरेंट एंगल से अगर हम देखें इसको, तो ये शायद बहुत ही ओपन स्पेस है। अगर आप दिखा सकते हैं, आप अमिता इस तरफ आ जाएं, इस तरफ, हाँ। और अब अगर हम इसकी बात करेंगे, तो शायद ये हमें साफ नज़र आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं इसकी।
और ये मतलब कितना लंबा स्ट्रेच है जो कि ओपन स्पेस की हम बात कर रहे हैं। हाँ। जी जी। अब इनका कहना है कि अभी जो ये यहाँ पे पूरा बदलाव होगा उसमें कह रहे हैं कि ये जो एक स्ट्रिप है ये बच जाएगी, लेकिन हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अभी इस तरफ अगर आप देखें ये जो पुलिस बैरिकेड हैं ये सब इस तरह से जहाँ जहाँ सरकारी बिल्डिंगें हैं वहाँ पे उन्होंने लोगों का आना जाना बंद कर दिया है। पीछे भी जो वॉर मेमोरियल है वहाँ से भी इंडिया गेट के पीछे का इलाका लोगों के लिए अब बंद है। तो धीरे धीरे लोगों के लिए जहाँ जो इकट्ठा होने के एंजॉय करने के लिए जो जगह है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। पता लगेगा ऊपर स्नाइपर डाल के कोई खड़ा है। और मुझे तो यही डर है कि ये पूरा इलाका एक बार यहाँ पे बड़ी बड़ी जो ये दफ्तर सरकारी दफ्तर बन जाएंगे तो न केवल ये हरियाली पीछे की चली जाएगी, ये पेड़ कटेंगे, साथ ही साथ लोगों के लिए जो है पुलिस बैरिकेड सिक्योरिटी की ये जो तमाम इनकी व्यवस्था है इतनी रोकथाम लोगों की होगी कि वो जो जगह जो जनता की जगह है आम पब्लिक की जगह है वो बचेगी नहीं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि दिल्ली शहर अब ऐसा बन गया है कि लोगों के बीच धीरे धीरे बहुत ही जो है एक सेग्रीगेशन हो गया है। अमीर लोगों की कॉलोनियों में बड़े बड़े गेट हैं, लोगों को अंदर गेटवाइजेशन भी कह रहे हैं, वो तो मोहल्लों में तो हो ही रहा है वो। हाँ। और हम देखेंगे कि ओपन स्पेसेस में भी होना शुरू हो जाएगा। हाँ। और दिल्ली में अमीर लोग गरीब लोग बिल्कुल अलग रहते हैं और फिर उनका एक दूसरे से मिलना जुलना ऐसी आम जगह पे बहुत ही कम होता है। मेट्रो में भी लोग जो हैं अलग अलग तबकों के अब आते नहीं क्योंकि गरीब लोगों के लिए मेट्रो भी बहुत महंगी हो गई है। अब ऐसी इंडिया गेट जैसी जगह बची है जहाँ पे सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे भारत के देशवासी जो है हमारे लिए एक जगह है जहाँ के हम पब्लिक होकर उसमें आपस में पब्लिक सब आम जनता सब लोग एक जैसे वैसे हम इकट्ठा घूम सकते हैं एक साथ रह सकते हैं। अभी तो दो सवाल और करना चाहूँगा। पहला तो ये कि हम देख रहे हैं ये जो जिसको हम ओपन स्पेस की ग्रैंडाइजमेंट कहते हैं और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ये टीओडी होगा, मतलब कि हम जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि शायद ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जो सरल भाषा में ये है कि हो सकता है कमर्शियल यूज़ भी हो जो और भी डेंजरस होगा। लेकिन दुनिया के आप थोड़ा अनुभव बताना चाहेंगे, जैसे ब्राज़ील में हम सुनते थे जहाँ ओपन स्पेस हुआ लोग बहुत आंदोलित हुए, तो ऐसा जहाँ पर लोगों ने रिक्लेम किया है अपनी स्पेसेस को कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? और दूसरा ये भी है कि क्या ये सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए है या पूरा मतलब देश की एक प्रतीक भी है ओपन स्पेसेस की? नहीं ये तो देश के लिए ही क्या, बाहर पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं क्योंकि भारत अगर विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है तो उसका अगर हम देखें कि स्पेस में क्या उसका एक सिंबल क्या है, क्या प्रतीक है, तो शायद ये यही है इंडिया गेट और फिर उसके आसपास की जो जगह है ये भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक डेमोक्रेसी का प्रतीक है। तो यहाँ से लोगों का आम जनता का हटाना मेरे ख्याल से बिल्कुल ही उन मूल्यों के विपरीत जाता है, बिल्कुल उल्टा है। दूसरी बात कि लोग शहर को अपना कैसे बनाते हैं और मेरे ख्याल से कि इतने सारे यहाँ पे पाबंदियाँ हैं, यहाँ पे देखिए बड़ा नोटिस लगा है कि फेरी वालों का सामान बेचना नहीं है, अगर यहाँ पे लोग आइसक्रीम नहीं खाएंगे शाम को अपने बच्चों के लिए एक गुब्बारा नहीं खरीदेंगे तो फिर इस जगह की वो जो रौनक है लोगों को जो मज़ा आता है वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो हमारी मेरे ख्याल से एक हम भारतीय लोग जो है कोशिश करते हैं कि जगह को अपना बनाने के लिए और सरकार की यहाँ पे कोशिश है कि जनता को पब्लिक को बाहर रखें, उन्हें जगह को अपनाने ना दें और बस ये सिक्योरिटी और सरकारी अफसर और इनका जो पूरा तामझाम है उसमें जगह को पूरा अपने लिए रख लें। और ये मैंने अपनी किताब में जैसे कहा है कि ये जगह हमारी अर्बन कॉमन्स है, जैसे कि गाँव में कॉमन्स का मतलब कि जंगल ताल सामूहिक ज़मीन, बहुत सारी जगह पे उसको शामलात के नाम से जाना जाता है, शामलात के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में तो शामलात देह कहते हैं और शामला देह मतलब कि गांव का जो की जो बॉडी है, गांव का देह जमीन। तो ये दरअसल शहरों की शामलात है जो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये शहरों की शामलात है और ये जो जमीन है यहाँ पे लोगों का अधिकार बनता है और उन्होंने वो अधिकार हमेशा अपनाया है कि यहाँ पे घूमे, यहाँ के हरियाली, खुले आसमान और हवाओं का जो है सुकून उन्हें मिले,
यहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं। आप सोच सकते हैं कि कौन सी राजधानी में लोगों को इतनी सिंपल मज़ा एक ऐसी जगह पे मिल सकता है। लेकिन ये सब धीरे धीरे, ये सब सरकार जो है जनता की ज़मीन को, पब्लिक की ज़मीन को सरकारी बनाना चाहते हैं। मतलब वो जो पहला वाला मैंने कहा था इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में अगर आप देखें तो बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ है जहाँ रिक्लेम किया है लोगों ने। हाँ। तो कुछ आप ऐसा उदाहरण देना चाहेंगे ताकि, मतलब ये नया नहीं हो रहा है, बहुत सारे देशों में भी ऐसा हो रहा है, और कहाँ लोगों ने फिर वापस किया है? हाँ। ऐसा कुछ कई जगह ऐसी है जहाँ पे ब्राज़ील में हो, या तो फिर हम देखें कि नॉर्थ अमेरिका में भी, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी, कि जहाँ पे सेंट्रल पार्क जैसा एक बड़ा पार्क है, लोग इतनी कोशिश करते हैं, सरकार कोशिश करती है कि लोगों को वहाँ पे ज़्यादा एक उपलब्धियाँ मिलें खुले घूमने की, और तरह तरह की चीज़ें बच्चों के लिए खासकर कुछ तय करते हैं वगैरह। तो इस तरह की कोशिश यहाँ पे भी होनी चाहिए जिससे कि और लोगों को यहाँ आने का और फिर घूमने का एक, इस शहर में इतनी भीड़ है, इतना शोर है, उसके बीच में इतनी सुंदर जगह जहाँ पे लोग थोड़ा सुकून पा सकते हैं, उसको पूरा दिन निकाल सकते हैं। पूरा दिन निकाल सकते हैं। गर्मी में भी मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अमिता, लास्ट सवाल, आपने किताब में रखा है कि अनसिविल सोसाइटी, जब आप अनसिविल कहते हैं, वो अनसिविल आप किस कौन, लोगों के सिविलिटी आप दिखा रहे हैं, या मतलब यू नो द स्टेट, हाँ, जो स्टेट अपैरेटस है उसकी दिखा रहे हैं? और आपने एक बड़े अच्छी बात उसमें और बड़े मज़े की बात ये कही है कि पहले भी तो गड़बड़ थी, जैसे प्रोफेसर के लिए टाइप 5 क्वार्टर था, दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी ओपन स्पेस थोड़ा कॉमन थी, उस पर आप थोड़ा बोलना चाहेंगे? हाँ। और खासकर अब क्या मतलब इससे क्या जाने वाला है? हाँ। ये मैं पिछले दिल्ली का 20-25 साल का इतिहास, हाँ, यही है कि जिस शहर में ऊंच नीच होने के बावजूद लोग इकट्ठा एक तरह से जी पाते थे, वो जो है इकट्ठा रहने के तरीके धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। और सरकार की तरफ से ये पहल हुई है कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएं। वर्ल्ड क्लास सिटी के लिए जो गरीब लोगों की बस्तियां हैं वो हटाई गई हैं, उनको शहर के बाहर फेंका गया है, और ऐसी जगह उनकी जगह शॉपिंग, बिल्कुल बिल्कुल, और शॉपिंग मॉल उनकी जगह बने हैं। मतलब आप साउथ दिल्ली रिज पे देखिए, 25 शॉपिंग मॉल शायद नहीं बने हैं 90 के बाद से, शायद ज्यादा ही होंगे, नहीं ज्यादा, कुछ 80-100 के आसपास दिल्ली में ही बने हैं। तो इस तरह का जब शहर का, मैं तो इसे कहते हैं जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड होता था कि वाइट और ब्लैक लोगों को अलग, दिल्ली में अमीर गरीब को इस तरह से नया अपार्थाइड है, जो मतलब दिल्ली में नया शहरों के कॉमन्स को लेकर, बिल्कुल, और जो कॉमन्स है जहाँ पे लोग इकट्ठा एक दूसरे से मिलजुल सकते थे, इकट्ठा रह सकते थे, वो जगह बहुत कम हो गई है। तो इसलिए अनसिविल सिटी मैं ये इसे इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो लोगों में में मिलजुल के रहने का जो एक पूरी तहजीब थी वो अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब सरकारी पहल भी है। जिस तरह की ज़मीनों को का जो बंटवारा है वो अब गरीब लोगों से धीरे धीरे उनकी जो रहने की जगह है, उनके काम करने की जगह है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो इस बड़ी स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए खासकर ये जो यहाँ पे सेंट्रल विस्टा में होने वाला है, ये और भी ख़तरनाक है, क्योंकि अब गिनी चुनी जगह बची हैं शहर में, ओपन स्पेसेस हैं जहाँ पे सब लोग इकट्ठा आ सकते हैं। अब सब लोग तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के, इनफैक्ट सब लोग मिलकर, हमने देखा है बहुत सारे फंक्शन, 26 जनवरी को मतलब आप देख सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कपड़ों से पहचान सकते हैं। नहीं, लोग यहाँ पे साइकिल पे भी आते हैं, मेट्रो पे भी आते हैं, एसयूवी में भी आते हैं, वो एक चीज़ करने के लिए कि आइसक्रीम खाएं, बच्चों के साथ थोड़ा, बच्चे यहाँ पे दौड़ सकते हैं। कितनी कम जगह है शहर में जो कि ऐसा हो सकता है अभी भी। आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद अमिता आपका, आपने हमारे से बातचीत की, और खासकर शहरों की जो नई शामलात की आपने परिभाषा दी है और वो कितना ख़तरा है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग और लोगों को भी शामिल करेंगे, लेकिन आज शायद जो अमिता ने बात कही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ये कि अर्बन कॉमन्स अगर सरल भाषा में कहा जाए तो वो हमारी शामलात हैं, जो शहरों की शामलात है, और दूसरा ये एक एपाथाइड हो रहा है, मतलब इतना जैसे रंग भेद का आंदोलन हुआ वैसे ये नया रंग भेद है जिसका मुकाबला किया जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद।